ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा कैंटो चैप्टर नंबर 26 श्लोक संख्या 4 जो है आखेट के लिए निकल गए और इस प्रकार से जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से आगे बढ़ता है तो हमने डिस्कस किया कि किसी एक व्यक्ति से लॉयल रह नहीं सकता है क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति जो है ना जो लस्ट है लस्ट जो है कन्वर्ट होती है ग्रीड के अंदर और ग्रीड कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। इसलिए व्यक्ति आज जिससे उसको लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो वो प्यार समाप्त हो जाता है क्योंकि वो तो वास्तव में लस्ट और ग्रीड थी, फिर वो किसी और से हमें चाहिए होता है। इस प्रकार से पुरंजन जो है हाउ कुड ही बी सेटिस्फाइड विद जस्ट दिस वाइफ, कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए लाइफ में, इसलिए वो आखेट के लिए निकल गए। यद्यपि राजा पुरंजन के लिए अपनी रानी को एक पल भी छोड़ना कठिन था तो भी उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि अपनी पत्नी की परवाह किए बिना वह बड़े गर्व से धनुष बाण लेकर जंगल चला गया। जैसा हमने डिस्कस किया, क्योंकि रिश्तों का आधार इंद्रिय तृप्ति था इसलिए जिसको वो छोड़ नहीं पाता था आज बड़े आसानी छोड़ दिया क्योंकि और कुछ और अच्छा लगने लगा। कब तक कोई एक ही चीज़ हमें अच्छी लगेगी, जिसके जीवन में यही होता है तो उसको फिर कुछ और चाहिए होता है। तो इस प्रकार से वह धनुष बाण लेके जो है पूरे दिन के लिए बाहर चला गया। एक प्रकार का शिकार स्त्री शिकार कहलाता है। बद्ध जीव कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होता। जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं होती वे विशेष रूप से अनेक स्त्रियों की तलाश में रहते हैं। राजा पुरंजन द्वारा अपनी धर्म पत्नी को छोड़ना बद्ध जीव द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक स्त्रियों की खोज का प्रतीक है, जैसा हमने बताया। क्योंकि उन दोनों के बीच का आधार केवल यही था हाउ टू एंजॉय, कैसे वैसा व्यक्ति एक ही व्यक्ति से एंजॉय कर सकता है। जिसका जीवन का आधार ये हो वो कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट लाइफ में ढूंढता रहेगा। और हम सुना है कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम दया उपात चेतसाम, जिसकी बुद्धि जो है भोगों में हाउ टू एंजॉय लगी रहती है वो कभी दृढ़ बुद्धि दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता है भगवान की भक्ति के लिए। तो इसलिए वैसा व्यक्ति कैसे एक से संतुष्ट रह सकता है। और यही कारण है आजकल के जीवन में जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं या कैसे पति पत्नी सुखी नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य यही है। शादी करने से पहले भी उद्देश्य यही होता है नाउ अब मैं हमारी लाइफ की शुरुआत हुई है, बेसिकली एंजॉयमेंट की शुरुआत हुई है। जबकि एक यज्ञ कहा गया, यज्ञ आप जानते हैं विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य को यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से विवाह एक प्रकार के यज्ञ है जिसमें दोनों पति पत्नी ये संकल्प लेते हैं कि दोनों मिलकर भगवान की सेवा करेंगे। जब दो व्यक्ति हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ एक दूसरे की मदद करेंगे। और इस प्रकार एक चीज़ और फायदा होता है कि दोनों को कभी डिस्ट्रैक्शन होगी, कभी लस्ट सताएगी, कभी कुछ होगा तो एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को वापस लेके आएंगे। इस
प्रकार कहते हैं कि पत्नी का काम एक किले की तरह होता है, जो अपने पति की रक्षा करती है, उसकी इधर उधर जो उसकी फीलिंग कई बार जाने लगती है या कुछ ऐसा होता है तो उससे उसकी रक्षा भी वही करती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं, पति पत्नी भी पति के संरक्षण में रहती है अपने पिता के संरक्षण के बाद, इस प्रकार वो भी प्रोटेक्टेड रहती है, उसकी फीलिंग्स भी प्रोटेक्टेड रहती है। नहीं तो हमने सुना था भगवद गीता में कि अर्जुन बोलते हैं कि यदि इन सबके पति मारे जाएंगे इस युद्ध में तो क्या होगा, ये स्त्रियां जो है अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगी और फिर अवांछित संतानें पैदा होंगी। इस प्रकार से पति को भी संरक्षण की आवश्यकता है और पत्नी को भी संरक्षण की आवश्यकता है। इस प्रकार से दोनों संरक्षण में आके भगवान की सेवा के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं, इसलिए इसको यज्ञ कहा जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, दोनों इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं, तब व्यक्ति एक धर्म पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता है। और न केवल धर्म पत्नी की बात कीजिए, मैं तो ये कहूंगा किसी भी एक इंद्रिय तृप्ति के साधन से वो संतुष्ट नहीं रह सकता है, वो नित्य कोई ना कोई डिफरेंट साधन ढूंढता है। राजा जहां भी जाता है अपनी पत्नी को साथ लेके जाता है, किंतु जब राजा या जीव इंद्रिय तृप्ति की लालसा से पराजित हो जाता है तो वह धार्मिक नियमों की परवाह नहीं करता उसके बाद, उल्टे वह गर्व के साथ आसक्ति तथा घृणा का धनुष बाण धारण करता है। फिर उसके अंदर परवाह नहीं रहती कि मैं क्या नियम तोड़ रहा हूं, मैं क्या नहीं तोड़ रहा हूं, वो केवल निकल पड़ता है बस उस आसक्ति उस तृप्ति के लिए। हमारी चेतना सदैव दो प्रकार से कार्य करती है, एक तो सही मार्ग से तथा दूसरा गलत मार्ग से। जब किसी को रजोगुण के अधीन होने से अपने पद का गर्व हो जाता है तो वह सही मार्ग त्याग कर गलत मार्ग अपना लेता है। क्षत्रिय राजाओं को कभी कभी सलाह दी जाती है कि वे जंगल जाकर खूंखार पशुओं का शिकार करें, इससे वध करना सीख सकें, किंतु इसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति कभी भी नहीं है। रजोगुण बताया इसमें, रजोगुण के अधीन होने से अपने पद का गर्व हो जाता है और वो गलत मार्ग। देखिए हमारा पद क्या है, वी ऑल नो दैट वी आर सर्वेंट एंड सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट्स। जब हम इस बात को भूल जाते हैं, अलग अलग लेवल में हम भूलते हैं। एक लेवल में तो हम ये भूलते हैं कि हमें ये याद रहता है कि कृष्ण के सर्वेंट हैं, ये भूल जाते हैं कि हम उनके दास के दास हैं, तब हमसे कुछ गलतियां होती हैं। और ये व्यक्ति तो यही भूल जाता है कि मैं दास हूँ, कृष्ण का भी दास हूँ, उससे भी गलतियां होती हैं। दोनों ही स्थितियां प्रॉब्लम वाली हैं। और जो उसमें भी सोच सकता है मैं दास का दास का दास हूँ, नहीं मैं इस तक का दास हूँ, इसके नीचे का तो मालिक हूँ, नहीं मैं इसका भी दास हूँ। तो जितना भी हम भूल जाते हैं अपने पद को, जब हम भूल जाते हैं और गर्व हो जाता है इस प्रकार से, तब क्या होता है, तब हम इस प्रकार से गलत रास्ता अपना लेते हैं। इसलिए द बेस्ट सॉल्यूशन, सही रास्ता क्या है, जब हम अपने आप को एंजॉय ना माने। कौन व्यक्ति अपने आप को एंजॉय नहीं मानता है, ध्यान रखिए। एक घर के अंदर माना कोई मिठाई आती है, घर का बच्चा है, वो जाएगा फटाक से, मान लीजिए भूख लगी हुई है, फटाक से जाके खा लेगा, है कि नहीं। घर का पति आएगा उठाएगा खा लेगा, पत्नी आएगी उठा के खा लेगी, लेकिन कोई सर्वेंट होगा तो नहीं खाएगा। सर्वेंट का पूछना पड़ेगा ऐसे कैसे खा ले, है कि नहीं। जब हमें मालिक होने का गर्व हो जाता है तब हमसे इंद्रिय तृप्ति होती है। जब हम सर्वेंट मानते हैं तो हर वस्तु के लिए हमें, है ना, हमारे अंदर ऐसी हिम्मत ही नहीं होती कि हम इसको कर लें। तो यही फायदा है दास 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 अनुदास का, कि हमसे ये गलतियां नहीं होंगी। लेकिन हमें लगता है कि हमें शोषण कर लिया जाएगा, ऐसे थोड़ी सबके सामने, हम इतने जूनियर भी नहीं है, इतना तो है, इतना तो वो है, ये है, चक्करों में हम फंस जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं इस प्रकार से गलतियां करते हैं। जैसे इसमें बताया, तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम अपने आप को बिल्कुल निम्न दास माने, और ये माने सबका दास है तो कैसे कोई भी चीज भोग सकते हैं, उन भोगता केवल कृष्ण है। उस समय राजा पुरंजन में आसुरी वृत्ति बढ़ गई, बढ़नी थी, जिसके कारण उसका हृदय कठोर और दया शून्य हो गया। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे विचारे अनेक निर्दोष जंगली पशुओं का वध कर दिया। जैसे हमने बताया कि जब भूत सवार जाता है लस्ट का, ग्रीड का, तो फिर आदमी के दिमाग में कुछ काम नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत है। वैसे ही आदमी इल्यूजन है, उस इल्यूजन के अंदर और इल्यूजन पैदा होते जाते हैं। फिर सही गलत का कहाँ फैसला रहेगा। जायते विषय नपुंसक संगस्तेषु जायते संगात, है ना। जैसे आपने सुना इस पूरे श्लोक को, कैसे संग से फिर आसक्ति क्रोध, क्रोध से बुद्धि का नाश और फिर आदमी का पतन, तो यही होता है। कैसे होता है, इंद्रिय तृप्ति के विचारों से यदि उनको काटा ना जाए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है। कौन जानता है कि किसके दिमाग में क्या इंद्रिय विचार चल रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के, कोई जान सकता है। ये जिम्मेदारी तो हमारी खुद की है कि हम अपने विचारों को रिव्यू करें,
क्या ये सही विचार है? और कोई नहीं करेगा, क्योंकि नुकसान भी हमारा ही है, और बहुत बाद में उस नुकसान का पता चलता है। जैसे पुरंजन को बहुत देर बाद ये समझ में आएगा। तो आसुरी प्रवृत्ति बढ़ गई, बढ़नी थी, इंद्र तृप्ति से यही होता है, इसलिए संसार में इतने असुर हो रहे हैं, बिना सींग वाले, बिना दांत वाले असुर चारों तरफ फैल रहे हैं। क्योंकि बचपन से हम भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, बेटा जिंदगी जीने के लिए है, जितना हो सके जी ले, ये कमा, ये डिग्री प्राप्त कर। नहीं, मैंने देखा है पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं बच्चे के अगर ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं, बच्चा अगर बहुत बढ़िया सी नौकरी नहीं करता है, लेकिन पेरेंट्स बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं यदि बच्चा भक्ति नहीं करता है। तो कहते हैं हाँ कर लेगा, ओके कर लेगा, लेकिन अभी तो उम्र पढ़ने की है ना, अभी तो ये करने देना, पहले बाद में कर लेगा भक्ति, वे कौन सा भागा जा रहा है। इतने विचलित हो जाते हैं लोग, देखा है हमने विचलित होते हुए लोग, उनके नंबर नहीं आ रहे, प्रभु जी इसके नंबर क्यों कमा रहे हैं, प्रभु जी इसका ये क्यों हो रहा है, प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है, तो पढ़ नहीं रहा है प्रभु जी। बहुत कम पेरेंट्स हैं मेरे पास, मुझे लगता है, मुझे तो याद ही नहीं है कोई पेरेंट्स आज तक ये सोच के भूल गया है प्रभु जी भक्ति नहीं कर रहा है, माला नहीं कर रहा है, मुझे याद नहीं आता है इतने सालों में कोई आया है। निश्चित के लिए जरूर आए, करेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं आया। ये व्यक्ति दास नहीं मान रहा है अपने आप को, बच्चा घर के काम नहीं करता है, मीनियन सर्वेंट नहीं करता है, पोंछा लगा देगा देते हैं तो मना करता है, कोई नहीं आता, नहीं लगाया ठीक है कल लगा लेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन और कोई चीज़ नहीं कर रहा है तो तुरंत, कितना बड़ा इल्यूजन है संसार, हम उस संसार जीवन को अपना बर्बाद कर चुके हैं, हमने अपना जीवन बर्बाद किया, अब वही हम आगे भी करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब यही सिखाया जाएगा तो क्यों नहीं असुर पैदा होंगे उदय, आसुरी प्रवृत्ति, ये लिखा ना उसकी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ गई, क्योंकि उसका असुर क्या चाहता है, असुर तो भोग चाहता है और रास्ते में कुछ भी आया तो उसको काट देना चाहता है। इसलिए ये लोग समाज में आगे जाके हम ही नहीं सिखाते हैं इस तरह का जीवन जीना, और जब हमें घर से निकाल देते हैं बड़े बूढ़ों को तो कौन सी हैरानी की बात है, बिल्कुल निकाल देना चाहिए ऐसे बड़े बूढ़ों को, क्योंकि हम ही तो हैं वो बड़े बूढ़े, हमने उनके जीवन में यही तो भरा है कि एंजॉयमेंट इज द ओनली पर्पज। फिर हम बोलते हैं बेटा भूल गया बेटा, तेरे को मैंने क्या क्या दिलाया था, तेरे को मैंने कहाँ से पिलाया था, हाँ दिलाया होगा लेकिन शिक्षा तो यही थी कि एंजॉय करना है। अब आप उस एंजॉयमेंट में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, जैसे औरंगजेब के आगे शाहजहां बहुत बड़ा रोड़ा था, उन्होंने कहा अच्छा तुमने लाल किला बनाया, कोई बात नहीं लाल किले में एक रूम बना देते हैं तुम्हारे लिए, उस रूम में हमेशा बंद रहो। तो मैंने ताजमहल बनाया था, अच्छा ताजमहल बनाया था, एक खिड़की बना देते हैं लाल किले में, वहां से रोज देखते रहना ताजमहल, ठीक है पापा अब यहाँ बंद हो जाइए, अब राजगद्दी मेरे को दे दीजिए। ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा ही हो रहा है दिन रात। ये इसमें सोचने का विषय है, हम सोच नहीं रहे, प्रॉब्लम ये है हम सोच नहीं रहे इस बारे में कि इसमें हमारी गलती है, और हम बोलते हैं आजकल की जनरेशन कैसी हो गई है, देखिए मैंने इसको पाला पोसा। अरे तुम भी तो मतलब ही थे, तुमने भी तो भगवान के बारे में बताया नहीं, यही बता दिया कि पिताजी सब कुछ है, माता ही सब कुछ है। यदि आपने भगवान के बारे में बताया होता, भक्तों के बारे में बताया होता, तब तो वो कहीं झुकना जानता। आपने उसको ग्रेटिट्यूड के चक्कर में बांधने का प्रयास किया कि मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, और इसी लॉजिक पे बांधने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कभी भी ये नहीं सिखाया कि अल्टीमेटली क्या मैंने दिया, वो जो भी वस्तुएं दी क्या मैंने दी। हमने तो किसी और की वस्तु को दिखाते रहे कि ये मैंने दिया मैंने दिया, हमने भी तो धोखा दिया बचपन से, ये धोखा ही तो है। किसी को भगवान के बारे में ना बताना, केवल यही बताते रहना कि माता पिता ही सब कुछ है, ये धोखा नहीं है, कब तक वो समझेगा आपको। जब बड़ा हो जाएगा कहेगा अच्छा माता पिता सब कुछ है, मैं भी तो माता पिता बन गया हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, अब तो मुझे इनको देखना है ना, माता पिता ही तो सब कुछ हैं, तो अब आपका तो गया समय, अब मेरा समय है, अब मैं भी माता पिता हूँ। यदि उसको समझाया होता कि कोई माता पिता नहीं, अल्टीमेटली सब दास हैं कृष्ण के, तभी तो उसका दिमाग ठिकाने पे होता। तो इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की जो हमारी हमने संसार बना दिया है, इसमें ऐसी संतान पैदा हो रही है जो कि आसुरी है, आसुरी वृत्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका हृदय कठोर और दया शून्य हो जाता है। वो बड़ा अफसर तो बन जाता है, लेकिन माँ बाप को तब दुख होता है जब अपने पेरेंट्स को ही नहीं पूछता है, तब लगता है अरे कितना कुछ हमने किया तेरे को बड़ा आदमी बनाने के लिए। तो उसका हृदय शून्य हो गया, कठोर हो गया, दया शून्य हो गया, अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे समझे निर्दोष जंगली पशुओं का वध कर दिया, और हम भी न जाने कितनों का वध करते हैं, उनके इमोशंस का वध करते हैं, क्योंकि हमें भोगना होता है। ओनली पर्पज ऑफ लाइफ इज दिस। पिताजी जाते जाते मरते मरते वसीयत तो साइन कर जाते ताकि हम भोग पाते,
और बेटा वो पिताजी मर रहे हैं, हमने देखते हैं ना एडवर्टीजमेंट, पिताजी मर रहा है, वो कहता है साइन कर साइन कर साइन कर। तो इस तरह का हम देखते हैं समाज में कल्चर। तो तीखे बाणों से बिना सोचे समझाने एक निर्दोष जंगली पशुओं का वध किया। जब किसी मनुष्य को अपने पद का गर्व हो जाता है तो वह रजो और तमोगुण के प्रभाव के से बिना रोक टोक के अपने इंद्रियों का भोग करना चाहता है। पद का गर्व क्या समझते हैं आप? पद का गर्व मतलब जैसे पति एक पदवी है, तो मैं पति हूं, तुम पत्नी हो, मैं तुम्हें भोगूंगा, ये भी पद का गर्व हो गया ना। मैं पिता हूं, तुम पुत्र हो, मैं तुम्हें भोगूंगा। तो इस प्रकार के पद जो है ये हमें गर्व जाता है तो हम भोगने का प्रयास करते हैं और फिर हम बिना रोक टोक कुछ भी करने का प्रयास करते हैं। इसको आसुरी कहते हैं। आसुरी होने पर लोग निरीह पशुओं के प्रति दयावान नहीं रह जाते, फलतः अनेक कसाईघर चलाते हैं। इसे सूना या हिंसा कहते हैं। कलयुग में रजो और तमोगुण में वृद्धि होने से सभी लोग आसुरी हैं, प्रायः सभी लोग आसुरी हैं। उन्हें मांस खाना प्रिय है जिसके लिए वह अनेक कसाई घर चलाते हैं। इस कलिकाल में दया की वृत्ति प्रायः शून्य है तथा मनुष्यों और राष्ट्रों के बीच सदैव संघर्ष और युद्ध चलता रहता है। कहां से दया आएगी जब किसी जानवर को तड़पता हुआ छोड़कर उसको खाने की तृप्ति होगी तो वो आदमी को भी क्यों नहीं मारेगा? क्यों नहीं मारेगा आदमी को? आदमी को भी मारेगा डेफिनेटली। हम देखते हैं परीक्षित महाराज के समय में गायें को काट रहा था वो कलयुग, इतना जबरदस्त उसको दंड मिला। उसको बोला गया कि ऐसी जगह पे रहो जहां पर मांसाहार होता हो, नशापान होता हो, पराई स्त्री गमन होता हो, इस प्रकार से जहां जुआ खेला जाता हो, तो असुर को कोई जगह ही नहीं मिली ऐसी। और अब देखते हैं हम कि सरकार की तरफ से लाइसेंस ये चारों नियम के तोड़ने के। देखिए आज की डेट में गैम्बलिंग जो कैसीनोज हैं वो सरकार द्वारा उसका परमिट मिलता है, लाइसेंस, शराब खाने का लाइसेंस मिलता है, कसाई घर का लाइसेंस मिलता है, और पराई स्त्री गमन करने के लिए बताया जाता है अच्छा ये लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूट एरिया है, यहाँ जाके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर चीज के लिए सरकार से प्रमाण मिलता है पूरे संसार में। देखिए कैसे नियम तोड़ने के लिए सरकार ही हमें वैलिडिटी देती है। तो वे नहीं समझते कि बिना रोक टोक के अनेक पशुओं का वध करते हैं, उसी प्रकार से महायुद्धों में उनका वध होता होगा। यह पाश्चात्य देशों में तो बहुत ही स्पष्ट है, पश्चिमी देशों में कसाई घरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए प्रति पांचवें या दसवें वर्ष महायुद्ध होता है जिसमें असंख्य पशुओं से भी बुरी दशा में मारे जाते हैं लोग, पशुओं से भी बुरी दशा में मारे जाते हैं। कभी कभी युद्ध के समय सैनिक शत्रुओं को बंदी शिविरों में रखकर उनकी निशंस हत्या करता है। हाँ ये भी बड़ा प्रचलन है, मारने से क्या होगा, बॉम्ब गिरा के मारने से क्या होगा, विदेशियों को बंदी बनाओ, इनको बुरी तरह से मारो, इसकी वीडियो बनाओ और दूसरे देश में भेजो, देखो तुम्हारे नागरिकों का हमने क्या हाल किया है, ऐसी प्रवृत्ति है। कसाई घर में तथा जंगल में शिकारियों द्वारा निर्बंध पशु वध का यही दुष्परिणाम है। गर्वीले आसुरी लोग ना तो प्रकृति के नियमों से ना ईश्वरीय नियमों से परिचित है, इसलिए वे परवाह किए बिना पशुओं को बेरोक टोक उनका वध करते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पशु वध सर्वथा वर्जित है, अतः किसी को तब तक इसके प्रमाणिक छात्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वे चार विधानों का व्रत नहीं ले लेता। ये चार विधान है, पशु वध न करना, मादक द्रव्य का सेवन न करना, अवैध स्त्री प्रसंग न करना तथा जुआ न खेलना। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा इस कलयुग कलिकाल में मनुष्यों के पाप कर्मों का निवारण किया जा सकता है। यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो वह यज्ञ के लिए शास्त्रों में दिए गए आदेशों के अनुसार बन जाकर केवल वध्य पशुओं का वध करे। हाँ यहां बता रहे हैं किसी को वृथा ही बिना रोक टोक के मारना इसकी अनुमति तो नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों के द्वारा अंधाधुंध पशु वध को नियमित नहीं करते, को नियमित करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं जो तमोगुण अविद्या द्वारा प्रभावित है। तो यदि कोई वेदों के आधार पर भी पशु वध करे तो वहां बताया जा रहा है कि ये प्रिस्क्राइब नहीं है कि बिना रोक टोक आप किसी को भी मार सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ वैधता है कुछ अवैधता है, कैसे मार सकते हैं, किसको मार सकते हैं, कैसे, उसका पर्पज क्या होना चाहिए, यहाँ पे बताया है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि जीव द्वारा इंद्रिय तृप्ति पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाए, आखिर क्यों? तुमने तो एंजॉय कर ली जिंदगी, कई बार लोग हमसे बोलते हैं आपने तो एंजॉय कर ली जिंदगी, आप अपने बच्चों को क्यों बर्बाद कर रहे हो, बताइए ये हाल है संसार का। ऐसे लोगों का ही तो पिटाई होनी है आगे जाके।
वो कहते हैं कि क्यों प्रतिबंध लगाया जाए, ये सब मिला है तो कुछ भोगने के लिए तो मिला है। ये आंख नाक कान किस लिए मिला है? भोगने के लिए मिला है। यदि राजा वध सीखने के लिए जंगल जाकर पशुओं का वध कर सकता है तो इंद्रियधारी जीव को निर्बंध इंद्रिय तृप्ति क्यों ना करने दी जाए, निर्बंध कोई रोक टोक के बिना। इस समय यह तर्क उन तथाकथित स्वामियों तथा योगियों द्वारा दिया जाता है जो यह खुला कहते हैं जब हमारे पास इंद्रिया है तो उनकी तृप्ति क्यों ना करी जाए। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा तथाकथित स्वामी बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं ऐसा, हाँ योगी ऐसा बोलते हैं। ऐसा कि योगी बन के भोगी बनो, बढ़िया योगी बनोगे उतने बढ़िया भोगी बनो। इंद्रियों को जितना स्ट्रांग करोगे उतना मजा भोगने में आएगा। जब बढ़िया से पेट को अंदर घुमा घुमो लोगे, यानी कि अंतड़ियों से सारा मल बाहर निकल जाएगा पेट को घुमा के, तो बहुत सारा खाना अंदर जा पाएगा बढ़िया बढ़िया। दैट इज द पर्पस ऑफ योगीज, विच हैव बिकम योगीज। प्रभुपाद कह रहे हैं, वो बोलते हैं कि इंद्रिया है तो तृप्त क्यों ना किया जाए, किंतु ये मूर्ख स्वामी तथा योगी वेदों के आदेशों को नहीं जानते। कभी कभी इनमें से कुछ मूल शास्त्रों का विरोध तक कर देते हैं, यहाँ तक कि वो भरी सभा में घोषित करते हैं शास्त्रों या अन्य ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें स्पर्श करूंगा और तुम तुरंत ब्रह्मभूत बन जाओगे। बहुत सारे जादू टोना करे जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाता है, कुछ कई सर्किट बनाते हैं उसके सर पे जैसी रखते हैं करंट लगता है और उस सोचता है बाबा जी में तो बड़ी ताकत है, करंट भी मारा पैसे भी लिए खून भी चूस लिया। इस प्रकार से लोग ऐसी लोगों के पास जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, क्योंकि आश्रित लोग चाहते हैं कि वो ठगे जाएं, अतः उन्हें ठगने वालों की कमी नहीं है। कलयुग में इस समय तो संपूर्ण मानव समाज ऐसे ठगों और ठगे जाने वालों से भरा पड़ा है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि जो ठगे जा रहे हैं ना वो ठगे जाना चाहते थे तभी तो ऐसी जगह पहुंचे, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत। कई बार लोग अरे उस गुरु के साथ में इतने हजारों लोगों का प्रभु जी क्या हो गया, सत्यानाश हो गया उन लोगों का विचारों का, उनकी क्या गलती थी? अरे उनकी गलती थी क्या उन्हें ऐसा फूहड़ मूर्ख गुरु दिख नहीं रहा था? क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान की चर्चा नहीं करता है, कौन भगवान है नहीं बताता है, हम भगवान के दास है इस बारे में कुछ नहीं बता रहा है, शास्त्र पे बिलीव नहीं कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति पे रोक टोक नहीं कर रहा है, कोई खाने पीने में रोक टोक नहीं है, किसी चेहरे की रोक टोक नहीं है, कैसा गुरु है? ऐसे गुरु के पास जो गया, कई बार होता ना कि कोई यूनिवर्सिटी का पर्दाफाश हुआ जी, यूनिवर्सिटी इनवैलिड यूनिवर्सिटी थी, कई सारे छात्रों का नुकसान हो गया। अरे नुकसान नहीं हुआ, छात्रों को पहले ही पता था यहाँ पर बिना कॉलेज जाए बिना कुछ करे डिग्री मिल जाएगी, पहले ही पता था ना, तभी तो गए वहां पर, और क्यों नहीं उनके साथ फिर ऐसा होगा। तो इसलिए जो ठगा जाना चाहता है वही ठगता है। कई बार हम कहते हैं ना हमें इसने ठग लिया हमें उसने ठग लिया, वास्तव में हम ठगा जाना चाहते हैं, वास्तव में हम नशे में धुत होना चाहते हैं तभी तो हम शराब पीते हैं। कोई कहे जी मैंने तो शराब पी थी, देखिए जी मैं क्या करूँ ये मैं तो नशे में आ गया। अरे आप ही ने तो शराब पी, आपको अच्छी तरह पता था कि नशा ही नशा करने के लिए ही तो आपने शराब पी, ताकि मैं बिना दिमाग लगाए भोग कर सकूँ। क्योंकि जब मैं बिना शराब पिए कुछ भोग करने जाता हूँ तो कुछ गलत विचार आ जाते हैं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तू क्या कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है, तू ये मत कर। लेकिन जब शराब पी लेता हूँ तो कोई रोक टोक नहीं आती। इस प्रकार से कोई भी रोकना नहीं चाहता अपने आप को, इसलिए ठगे जाने वालों से भरा है, ठगों से भी भरा है, क्योंकि डिमांड है तो सबला ही है। मैं चाहता हूँ कि मैं ठगा जाऊँ तो ठगने वाले उपस्थित हैं, इसलिए वैदिक शास्त्रों ने इंद्र तृप्ति के लिए समुचित आदेश दिए। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति मांस तथा मछली खाना चाहता है, शराब पीना चाहता है, विषय भोग में लिप्त रहना चाहता है, किंतु इसीलिए वो इतना कमाना भी चाहता है। देखिए अगर साधारण जीवन जिया जाए तो इतना धन की आवश्यकता ही नहीं है जितना इंसान कमाता चला जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो भोगना चाहता है इसलिए वो ज्यादा कमाना पड़ता है। यदि वो अपनी इच्छाओं को लिमिट कर ले तो कमाने की जरूरत नहीं है, और कमाने में कितना कष्ट है ये तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि इच्छाएं अनलिमिटेड होती जा रही हैं कंपैरिजन कंपटीशन इत्यादि की वजह से। तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा है, वो कह रहा है आज की रेट में ये वाली गाड़ी तो सबके पास है, कुछ अच्छी गाड़ी होनी चाहिए तो और कमाता है, ये वाली सबके पास है तो और कमाएगा। इस प्रकार से हर चीज के लिए एग्जाम्पल सब चीज के लिए सोचा जा सकता है। तो इस प्रकार वो विषय भोग में लिप्त रहना चाहता है, लेकिन वैदिक अनुसार संभोग की अनुमति केवल विवाहित जीवन में है। मांस भक्षण केवल उन्हीं पशुओं का विहित है जो मारकर देवी काली पर चढ़ाए गए
वस्तुओं और मादक द्रव्य सेवन की केवल सीमित रूप में अनुमति है। हर चीज की लिमिट है। ये जो नियम है इनको बड़ा तथ्य रूप में समझना पड़ेगा, बड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। जैसे मांस भक्षण में हम लोग कह देते हैं कि इवन लहसुन प्याज भी उस लेवल पे आता है यदि आप शुद्धतम जीवन चाहते हैं, है ना। ठीक है, ये पशु हत्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप शुद्ध सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, भक्ति में लिप्त, तब ये भी गर्हित है। उसी प्रकार से हम कहते हैं कि विवाह के अंदर केवल इस प्रकार का अनुमति है, लेकिन उसके अंदर भी हम कहते हैं कि कृष्ण भावना में संतान उत्पत्ति करने के लिए। फिर हम ये भी कहते हैं कि यदि आप कुछ पिक्चर्स देखते हैं, कृत्रिम तरीके से कुछ करते हैं, तो वो भी इसी के बराबर है। ये सोचना चाहिए, वो तो खुद ही समझने की बात है। बेसिक आइडिया इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट। बेसिक आइडिया इज सेंस ग्रेटिफिकेशन कहाँ पर वैलिड है ये हमें समझना पड़ेगा। तो इन नियमों के अंदर भी बड़े डिटेल नियम है जो हमें समझने चाहिए। नियम मनुष्यों के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं होते। सड़क परिवहन के नियम दाहिने या बाएं चलो मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। यदि पशु नियमों का उल्लंघन करे तो दंडित नहीं किया जाता, लेकिन मनुष्य को किया जाता है। वेद पशुओं के लिए नहीं, अभी तो मानव समाज के लिए। जो व्यक्ति बिना विवेक के द्वारा वेदों द्वारा दिए गए विधि विधानों का अतिक्रमण करता है वह दंडनीय है। एक ऑफिस में हम जाते हैं, ऑफिस के अंदर भी कई सारे नियम पॉलिसीज, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के नियम पॉलिसीज, यानी कि हर जगह व्यक्ति को कंट्रोल में रखने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भी एक जानवर है। जानवर को प्रकृति कंट्रोल में करती है अपने तरीके से, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मनुष्य को खुद को कंट्रोल करना होता है आचार्य संहिता इत्यादि के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरु के आदेश के द्वारा, हाँ वो खुद को संयमित करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी काम वासनाओं के अनुसार इंद्रियों का भोग ना करे, क्योंकि ऐसा भोग तो वो न जाने कितने जन्मों में कीट पतंगा छिपकली बिल्ली भालू वर्ग करता आया है। वरन वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार अपने को नियमित करें, यही सार है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, पहला स्टेप है। देखिए भक्ति करने का ये पहला स्टेप है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन भक्ति करने के लिए कम से कम इस लेवल पे तो आना पड़ेगा। जब हमारे हृदय में भगवान स्थापित होंगे तो इस हृदय में क्या होना चाहिए? क्या इस हृदय में लस्ट होनी चाहिए या बिल्कुल सेवा भाव होना चाहिए? तो इसलिए बता रहे हैं कि नियमों के अनुसार अपने आप को नियमित करें। राजा को जंगल में आखेट की अनुमति है तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। हम वध करके इस कला के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरी शूटिंग बहुत अच्छी हो गई है, चलो कुछ शूट करें। कुछ आर्टिफिशियल शूट करें तो मजा नहीं आता। वो भागता हुआ हिरन उसको शूट करें, वो भागता हुआ खरगोश क्यों ना उसको शूट करें, मजा आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो गेम बने, चलो शूटिंग पे पाबंदी लग गई है तो वीडियो गेम दिखाएंगे। एक वीडियो गेम में वो जानवर भाग रहा है आपको शूट करना है, बड़ा मजा आता है। वो एक गेम था वाइस सिटी, कई बच्चे हमारे बड़े उसमें एंग्रोस्ड हो गए थे। वाइस सिटी करना क्या है जी? करना क्या है? जाना है कहीं पर, किसी को पकड़ लिया गया है, रास्ते में कई सारे लोग आएंगे, उनको मारते 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 वहां पहुंचना है। ऐसी हमारी पिक्चरें भी है, ऐसे हमारे वीडियो गेम भी है। तो जब मारता गोली खून निकलता एकदम से, और नीचे ढेर, और बच्चों को मजा आता है, मारा 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 मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। और फिर एक दिन उसका मन करता है यार ये क्या नकली बंदूक, कब तक चलाऊंगा। फिर असली बंदूक लाता है और कई बार अपने पिता को शूट कर देता है, टीचर को शूट कर देता है। आए दिन इसकी खबरें आती हैं, बाय द वे यूएस के अंदर तो बहुत ही आम हो गया, इंडिया में धीरे धीरे ये फैशन बढ़ रहा है, ये फैशन बड़ा दूर पकड़ेगा जल्दी। तो इस प्रकार से यदि राजा चोर चक्कों से डरता है किंतु दीन पशुओं को मार कर बड़ी आनंद से उनका मांस खाता है, तो उस राजा के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। हा? राजा मांस तो खाता है लेकिन एक भी स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले सकता है क्योंकि डरता है। राजा भी ऐसा बन गया है बताइए आज के। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ये यूजलेस है, कई बार प्रभुपाद कहते डेमोक्रेसी, क्योंकि जो भी राजा है कोई डिसीजन लेने से पहले ये सोचता है अरे मुझे वोट मिलेंगे अगली बार मैं सत्ता में रहूंगा, ये सोच के वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता। या अभी इसी साल तो नहीं निकाल देंगे, बहुमत में बना है सब, जो मिली जुली सरकार बनी है, मैं कुछ डिसीजन ले लूंगा तो वो विद्रोह मतलब वो अपना समर्थन वापस ले लेगा, मेरी सत्ता चली जाएगी। कोई भी व्यक्ति कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। सब लोग कहते हैं चलो छोड़ो ये कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन नहीं लेंगे, सड़कें बनाओ। आदमी को चाहिए क्या? पानी, सड़क, बिजली, यही चाहिए सबको, जीवन का उद्देश्य यही है, आहार मैथुन इत्यादि, यही जीवन का पर्पज है, तो यही पूरा करके सप्लाई करो। तो राजा भी ऐसे बन गए फिर।
और जो बहुत अच्छे तरीके से इन मैनेजमेंट को जानता है वो व्यक्ति बड़े सामान्य बन गए। देखिए, मैनेजमेंट करना, सड़कों को अच्छा बना देना, आज की डेट में है ना, इंजीनियर, जैसे इंजीनियर की देखो किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर या सीए, सीए क्या कर रहा है, किसी की अकाउंटिंग को देख रहा है, खातों को ही तो देख रहा है। और इंजीनियर साहब क्या कर रहे हैं, इंजीनियर तो वैसे ही जॉब ही मैकेनिकल हो गई, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है ये बड़ी। आपको मालूम है हमारे गाँव में, आज भी मुझे याद है, मैं हैरान था, बचपन में मैं अपने गाँव में गया तो वहाँ पे लोहार और सुनार को गाँव से बिल्कुल दूर रखा जाता था, मतलब उस जमाने की बात कर रहे हैं, इन लोगों को लोअर समझा जाता था। और देखिए आजकल तो लोहार और सुनार चांदी है, इन लोगों की ये सबसे सम्माननीय व्यक्ति माने जाते हैं। उस जमाने में इन लोगों को निम्न माना जाता था, सुनार है, लोहार है, इस तरह के लोग, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, कोई इसी तरह का काम कर रहे हैं ना। उच्च किसको माना जाता था, जो शास्त्रों के ज्ञान को जानता है उसको उच्च माना जाता था। लेकिन आजकल क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए जो आजकल इस तरह से भोग करना जानता है वो सबसे रिस्पेक्टेबल बन चुका है, जिसके बाद सबसे ज्यादा भोग करने की सुविधा है, तो उससे उसका पद ले लेना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे राजा से जो डिसीजन नहीं ले सकता है, जो इन नियमों को पालन कराने में मदद नहीं कर सकता है, जैसे कि परीक्षित महाराज ने किया, तो उसको राजा का बनने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि इस युग में राजाओं में आसुरी व्यक्ति होती है, इसलिए प्रत्येक देश में प्रकृति के नियमों द्वारा राजतंत्र का सफाया हो रहा है। इस युग में इतने सारे लोग गिर चुके हैं कि एक और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दूसरी प्रकार नाना स्त्रियों की खोज में लगे हैं। देखिए कितना डुप्लीसिटी है आजकल के व्यवहार में। कई लोग बोलते हैं क्या ये तुम्हारा हिंदू कल्चर है, एक आदमी की इतनी सारी पत्नियां, व्हाट इज दिस। आप जानते हैं ऐसा हमारे शास्त्र, ऐसा पुराने डेटा से निकलता है कि आज की डेट में मेल फीमेल रेशो जो है, आई डोंट रिमेम्बर, बट 900 और 1000 ऐसे, मतलब 1000 लड़के होंगे तो 900 कुछ लड़कियां होंगी। लड़कियों का तादाद कम हो गई और गिरती जा रही है, अब शायद उसमें थोड़ा रोक लगी होगी, हो सकता है, लेकिन पहले लड़कियों की तादाद ज्यादा थी, ऐसा प्रभुपाद भी लिखते हैं प्रपट में, क्योंकि कभी कोई भेद था ही नहीं इस तरह का, लड़की है या लड़का है। ये भेद होते हुए भी कि कई रिचुअल लड़का ही कर सकता है, फिर भी लड़कियों के लिए सम्मान ज्यादा था, कितनी हैरानी की बात है। भेद था भी लेकिन फिर भी सम्मान था, अब भेद नहीं है, अब कहते हैं दोनों बराबर हैं, फिर भी अपमान है, कितनी अजीब सी बात है। अपमान कैसे है, आप रास्ते में चल रही होंगी, कोई सीटी मारेगा, कोई छेड़ेगा, कोई कमेंट पास करेगा, क्या ऐसा प्राचीन समय में हो सकता था। मुझे लगता है कि चलते चलते ही कोई पड़ोसी उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता होगा, अगर कोई ऐसा कर भी दे तो, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी ऐसा करने की। आजकल तो ये आम बात है, कहाँ सम्मान मिला बताइए, कैसे सम्मान मिला। क्या आप अपनी लड़कियों को अकेला रात को भेज सकते हैं कहीं पर, दिन में ही भेज सकते हैं, गलती से अगर बहुत सुंदर बेटी हो गई तो फिर तो मुसीबत ही है, तो कैसा कहाँ सम्मान है बताइए। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि भेद खत्म कर दिया है, उस वक्त भेद था, लड़कियों की तादाद ज्यादा थी, एक व्यक्ति मल्टीपल मैरिज करता था और सबको प्रसन्न रखता था, शत्रुओं को अलाउड था, सब खुश थी, सबको एक वैलिड पति मिलता था। अब हमने कहा नहीं जी नहीं, एक पत्नी रहेगी, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर आप दूसरी पत्नियों को क्यों ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ताका झाकी क्यों कर रहे हैं। यही यहाँ पे लिखा है कि रूल बनाते हैं कि एक विवाह होगा और दूसरी और नाना स्त्रियों की खोज में कर लगे रहते हैं, जहां भी मौका मिल जाए, ऑफिस में मौका मिल जाए, कहीं भी मौका मिल जाए, ऑफिस में तो बुला ही लिया हमने सबको। तो अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान विज्ञापित करते रहते हैं कि अमुक क्लब या दुकान में निर्वस्त्र युवतियां उपलब्ध है, इसका एडवर्टीजमेंट आता है, हर समय नहीं आता है, क्योंकि हमारे कुछ नियम है, रात के 11 बजे तक हम एडल्ट चीजें नहीं प्रस्तुत करेंगे, लेकिन 11 बजे के बाद हम एडल्ट चीजें दिखाएंगे, आपको जो देखना है उसके उतने बजे के बाद देखिए, ताकि आपके बच्चे सो जाएं, आपकी चेतना का बेड़ा गर्क हो जाए, उसी चेतना से आप खाना बनाओ, उनके मुंह में निवाला डालो, आपकी चेतना चाहे बिल्कुल बर्बाद हो जाए लेकिन बच्चे सो रहे हैं, बच्चों पे हम प्रभाव नहीं डालेंगे। और बच्चा रजाई के कोने से देख रहा है पापा क्या देख रहे हैं, ओहो पापा ये तो समथिंग अमेजिंग है, आप कब, जिस दिन आप टूर पे जाएंगे उस दिन रात भर यही देखूंगा, उस सपने देख रहा है कब पापा जाएंगे। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके बेटे ने कब वो आदत सीख ली, क्योंकि आप
आपका चरित्र नहीं है, आपके बच्चे का चरित्र कैसे बन जाएगा। इस प्रकार आधुनिक सभ्यता में स्त्रियां इंद्रिय भोग की साधन बन चुकी हैं, किंतु वेदों का वचन है कि यदि किसी को एक से अधिक स्त्री को भोगने की रुचि है माना, तो वह अधिक विवाह करे, वैलिड तरीके से करे ना, फिर करना है तो करे विवाह, ऐसा वैदिक था समय था। विवाह का अर्थ है स्त्री का पूरा पूरा उत्तरदायित्व, क्योंकि उसमें तो पत्नी फिर मांगेगी भी ना कुछ, भोग करेगा तो बहुत चीजें सप्लाई भी करनी पड़ेंगी, इसलिए सोच समझ के आदमी करता था। तो विवाह करे, फिर विवाह का अर्थ है स्त्री का पूरा पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना और विश्वास शक्ति से शांतिपूर्वक रहना। अब हम कहते हैं कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इतना कैसे कर पाएंगे, देन हमें मन करेगा तो कहीं कहीं चले जाएंगे, कुछ कर लेंगे। विवाह का अर्थ है स्त्री का पूरा पूरा उत्तरदायित्व, किंतु इसमें विश्वास शक्ति अनियंत्रित है, इतनी ज्यादा नियंत्रित है, लोग इतने गिर चुके हैं, समाज इतना गिर चुका है जिसपे हमें गर्व है, जिस एजुकेशन सिस्टम पे हमें गर्व है, कि लोग क्या कहते हैं कि चलिए जी पता नहीं कहीं पर जाएंगे, किसी को पैसे देने पड़ेंगे, कहीं छावा पड़ जाएगा, ऐसा करते हैं तुम अपनी पत्नी को लाओ, मैं अपनी पत्नी को लाता हूँ, एक्सचेंज ऑफर, लिमिटेड एक्सचेंज ऑफर, नाइट एक्सचेंज ऑफर, मॉर्निंग में हम फिर से वही हैं, नो क्लेम। तुम पति अपने पति के साथ अपना क्लेम, यहाँ अपना क्लेम, क्लेम नहीं करेंगे एक दूसरे के प्रति कुछ, क्योंकि कोई वैलिड रिश्ता ही नहीं है तो क्लेम कहाँ से करेंगे। तो ये समाज है, अब सोचने का विषय है, ये बातें हम करते तो रहते हैं पर इन बातों की जड़ क्या है इस पर विचार नहीं। इन बातों की जड़ है हमारी चेतना, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जीने का तरीका। भक्त बनने के बाद भी हमें शर्म आती है कई बार कि हमारे जीवन का पर्पस केवल इंद्रिय तृप्ति रह जाता है। भक्त बनने के बाद भी हम यही सोचते रहते हैं मेरे और मेरे परिवार का कैसे बेटर हो सकता है, यहाँ पर मैं कैसे एंजॉय करूँ, मैं अपने परिवार को कैसे प्रोटेक्ट करूँ, जैसा कि एक जानवर भी करता है। और शिला प्रपाद ने पूरे संसार को प्रोटेक्ट करने के लिए निकले, हमें आज भी मैं और मेरा कई चक्कर है बड़ा है, इतना अद्भुत ज्ञान हमें मिल चुका है लेकिन हम आज भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, यही इसका आधार है, क्योंकि मैं करप्ट हूँ, गार्बेज इन है तो गार्बेज आउट, मेरे अंदर कूड़ा है इसलिए परिवार में कूड़ा है, यही इसका प्रॉब्लम है। तो भी समाज में नियम बनाया जाता है कि यदि कोई एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता, ये आसुरी समाज की विशेषता है, बहुत ही धज्जियां उड़ाते हैं प्रभुपाद, क्योंकि लोग जो है उंगलियां उठाते हैं ऐसे हमारे प्राचीन वैदिक सभ्यता पे, स्वयंवर के ऊपर, मल्टीपल मैरिजेस के ऊपर, वो कहते हैं कि आजकल उससे भी ज्यादा बुरा हाल है और उस वक्त ये सब था। वो कहते हैं देखो जी वैदिक कल्चर में स्त्रियों को नीचा समझा जाता है, आजकल नीचा नहीं समझा जाता है, आजकल प्रोडक्ट समझा जाता है, उस वक्त ये समझा जाता था कि स्त्री नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, आजकल समझा जाता है स्त्री इज फॉर एंजॉयमेंट। बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग कर दी गई है, सम्मानित कर दिया गया है, लेकिन सम्मान के नीचे भोग किया जा रहा है, इसलिए प्रभुपाद अक्सर धज्जियां उड़ाते हैं आजकल की ऐसे आलोचकों की। अगले श्लोक में नारद मुनि ने राजा प्राचीन भरीक्षित से कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। हाँ, नारद मुनि प्राचीन भरीक्षित, यदि आपको याद हो यही दिस इज द स्टोरी, नारद मुनि स्टोरी बता रहे हैं, कहते हैं जो शास्त्रों के अनुसार चलता है वो सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता, यानी कि वो ऐसे कर्मों में नहीं लगता जिसका उद्देश्य भोग है, मैं और मेरा है, हम ऐसे ही कार्य में लगते हैं जिसका उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन है, मेरी और परिवार की और समाज की और सबकी। तो यही कार्य हमें करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इसी रास्ते पर लगे हैं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजिंग दैट वी आर सर्वेंट, अ सर्वेंट इज नेवर एंजॉयर, सर्वेंट को बख्शीश मिलती है, बचा कुचा रेमिनेंट्स मिलते हैं और हम रेमिनेंट्स पाते हैं, हम शेर और भेड़ियों की तरह अटैक नहीं करते, हम रेमिनेंट्स पाते हैं जो हमें बड़ी कृपा पूर्वक दिया जाता है। ठीक है, तो इसका हम इस पर विचार करें, इस पर चिंतन करें, इसके परपट को हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।